नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे जो प्राइवेट स्कूल में परीक्षा के लिए एग्जाम के लिए पेपर बनाए जाते हैं उनके विषय में, उसी विषय को लेकर आज का हमारा वीडियो है कि वो पेपर हम किस तरह से बनाएंगे, कौन से पेपर पे बनाएंगे, किस तरह से प्रिंट करेंगे और फिर उसका कॉस्ट हम कितना रखेंगे और कितना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक पेपर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जनरली से A4 पेपर है और इसी पे निकाला गया है। इसमें एक में दो है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्कूल होते हैं, जो कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जो 7वीं 8वीं तक होते हैं, लेकिन कुछ बड़े भी स्कूल होते हैं जो मैट्रिक तक होते हैं, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो 5 क्लास तक ही होते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो शुरू शुरू में छोटे छोटे स्कूलों को आप टारगेट कीजिएगा और उनसे संपर्क करके ये सारे काम आपको मिल सकते हैं। उसमें से और भी जो अदर्स काम होते हैं उसमें, जो प्रिंट वगैरह करने के लिए, वो भी काम हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आप प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, तो आपको काम के लिए प्राइवेट स्कूल वालों को टारगेट करना चाहिए, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको बेहतर से बेहतर काम दे देंगे, जिससे आपको 12 मास काम की कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। अगर ऐसे स्कूल आपको 5 से 7 स्कूल भी मिल जाते हैं तो उनमें हर एक महीने आपको काम मिलते रहेंगे जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से पहले पेपर को बनाएंगे। इनका 3 जो अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इनमें साल में, एक साल में लगभग 3 परीक्षाएं एग्जाम होता है, 3 माह पे होता है, 1 6 माह पे होता है, 1 एनुअल होता है जो फाइनल होता है, और इन तीनों का पेपर बनाया जाता है। उससे पहले वो लोग पेपर लिख कर देते हैं, फिर आप टाइप करके और इस तरह से आप अपने प्रिंटर से, चाहे वो लेजर प्रिंटर हो चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो, आप किसी भी प्रिंटर से निकाल कर उन्हें दे देंगे और उसका यथा उचित वो लोग आपको जो भी कॉस्ट होगा, जो दाम होगा, वो आपको सुपुर्द कर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से। चलिए दोस्तों, जैसा कि आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखिए ये है जो हम पेपर वगैरह बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्कूल का नाम डाल देंगे, जैसे सरस्वती ज्ञान मंदिर विशंबरपुर लिखा गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे पूर्णांक यानी वो पेपर कितने नंबर का है, फिर समय आप डाल देंगे, फिर कक्षा डाल देंगे। इसी तरह से ये सारे पेपर, उसके बाद से वो जो लिस्ट कर दिए रहते हैं उन, वो आपको इस तरह से इसे लिखना होगा, यहाँ पे इस तरह से कर कर के आपको सभी को इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, आप इसको एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं, आपको थोड़ा इसमें टाइपिंग बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भारत का प्रधान मंत्री कौन है। तो इस तरह से आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा और आप A4 में आप 2 पेपर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वो सेम ही है, इस तरह से ये पेपर बनाया गया है, इस पूरे पेज में पेपर ही पेपर बनाया गया है, जो कि कल ही इसे दिया जा चुका है यानी स्कूल को सुपुर्द किया जा चुका है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विषय विज्ञान, पूर्णांक 80, समय 3 घंटे, कक्षा 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह से करते हुए आप इसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं और कुछ पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसे आप सिंगल A4 में बना देंगे, लेकिन कुछ में 2 होते हैं उसमें आप A4 में 2 पेपर निकाल सकते हैं पूरी तरीके से। देखिए ये इंग्लिश का है, इस तरह से आप लोग
उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और करके आप जो है इसका प्रिंट निकाल कर और एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम इसे लैपटॉप पे अगर आप टाइपिंग सही तरीके से करते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो इसे बेहतर ढंग से आप स्कूलों से ऑर्डर लेकर बना सकते हैं और इसे आप प्रिंट करके A4 पे आप किसी भी प्रिंटर से दे सकते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके कॉस्ट के बारे में, रेट के बारे में। इसका एक पेपर का जो टाइपिंग का है उसे 30 रुपया लिया जाता है, चाहे वो नर्सरी का हो या सातवीं कक्षा का हो। तो देखिए, इसमें कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो एक क्लास से आपको ऊपर का दे देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे पेपर दे देंगे, नर्सरी LKG और UKG का नहीं देते हैं। पर आप लोग बोलिएगा कि नहीं, नर्सरी LKG UKG सबका देना पड़ेगा, तो उसमें आपको प्रॉफिट रहेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पेपर का जो टाइपिंग होता है वो 30 रुपये, हम लोग हमारे यहाँ जो रेट है वो 30 रुपये है। और इस पेपर का जो हम प्रिंट निकालते हैं इसे 1 रुपये से लेकर और 2 रुपये पीस तक, मान लीजिए कि क्वांटिटी उनकी ज़्यादा रहती है इसलिए आप 1 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये इस तरह से करके एक पीस का आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपके बजट में बिल्कुल तरीके से फिट बैठ जाएगा। अगर आप टाइपिंग सही तरीके से जानते हैं तो इसे टाइप करके आप बेहतर अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को खासे फायदा होगा और पेपर का जो भी बनावट है उसे हमने आप लोगों को दिखा दिया है। हम लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके, अगर आपके पास कोई दूसरे स्कूल का पेपर आता है तो आप उसे एडिट करके सही ढंग से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को हर संभव दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।